कक्षा 11 इतिहास के प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 11 आधुनिकीकरण के रास्ते, आज हम इस विषय पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। चैप्टर चूंकि बड़ा है, इसलिए हमने इस चैप्टर को चार भागों में विभक्त कर रखा है। यह प्रथम भाग है आधुनिकीकरण के रास्ते। 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। लंबी परंपरा के वारिस चिंग राजवंश की सत्ता अक्षुण जान पड़ती थी, जबकि नन्हासा द्वीप देश जापान अलग अलग पड़ा हुआ प्रतीत होता था। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांत की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। चिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा। वह कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश गृह युद्ध की लपटों में आ गया। दूसरी ओर जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में और यहाँ तक कि ताइवान 1895 तथा कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कामयाब रहा। चीनियों की प्रतिक्रिया धीमी रही और उनके सामने कई कठिनाइयां आईं। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया, साथ ही अपनी राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने और पश्चिमी व जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि असमानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को एक क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी ने युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन 1970 के दशक के आखिर तक चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश की विचारधारात्मक व्यवस्था उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा डाल रही है। इस वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। यद्यपि इससे पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वापसी हुई, तथापि साम्यवादी दल का राजनीतिक नियंत्रण अब भी बरकरार रहा। जापान उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया, लेकिन साम्राज्य की लालसा ने उन्हें युद्ध में झोंक दिया। 1945 में आंग्ल अमरीकी सैन्य शक्ति के सामने उसे हार माननी पड़ी। अमरीकी आधिपत्य के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई और 1970 के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। जापान का आधुनिकीकरण का सफर पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था और यह सफर उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आजाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। जापान में जिस तेजी से विकास हुआ, वह जापानी संस्थाओं और समाज में परंपरा की सुदृढ़ता, उनके सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद की ताकत को दर्शाता है। चीन और जापान में इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही, क्योंकि इन देशों में यह माना जाता है इतिहास शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। ऐसा समझा जाता है कि अतीत हुई मानक पेश करता है जिनके आधार पर शासकों का आकलन किया जा सकता है। इसलिए शासकों ने अभिलेखों की देखरेख और राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभाग की स्थापना की। सिमा छियन 145 से 90 ईसा पूर्व को प्राचीन इतिहास का महानतम इतिहासकार माना जाता है। जापान में भी चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया जाने लगा। मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में एक था 1869 में एक ब्यूरो की स्थापना, जिसका काम था अभिलेखों को इकट्ठा करना। इसका एक अन्य उद्देश्य मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नजरिए से लेखन करना था। लिखित शब्द का बहुत सम्मान था और साहित्यिक कौशल को बहुमूल्य समझा जाता था। इसका नतीजा यह रहा कि भांति भांति के लिखित स्रोत उपलब्ध है, सरकारी इतिहास, विद्वत्तापूर्ण लेखन, लोकप्रिय साहित्य और धार्मिक पर्चे, मुद्रांकन और प्रकाशन पूर्व आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उद्योग थे। और यह संभव है कि 18वीं शताब्दी के चीन और जापान की किसी किताब के वितरण का पता लगाया जा सके। आधुनिक विद्वानों ने इस सामग्री का इस्तेमाल लंबे और भिन्न तरीकों से किया है।
आधुनिक विद्वानों ने चीनी बौद्धिकों जैसे लिमांस छियाचो छिचाओ या जापान में आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शकों में से एक पुणे कुरिता के 1839 से 1931 जैसे बौद्धिकों के काम को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा इन्होंने पहले के यूरोपीय मुसाफिरों के लेखक जैसे इटली के मार्को पोलो 1254 से 1324 जो चीन में 1274 से 1290 तक रहे, चीन में ये सुख पादरी मेटिको रिक्की 1552 1610 और जापान में लुई फ्राय 1532 1597 जैसे बुद्धिजीवियों के काम को भी आगे बढ़ाया है। इन सभी ने इन देशों के बारे में समृद्ध जानकारी दी है। आधुनिक विश्व को 19वीं सदी के ईसाई मिशनरियों के लेखन से भी फायदे हुए जिनके काम में इन देशों के बारे में समझ बनाने के लिए बहुमूल्य सामग्री मिलती है। अंग्रेजी में चीनी जापानी इतिहास पर परिष्कृत पांडित्यपूर्ण काम का विशाल भंडार उपलब्ध है। चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोजफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और जापानी इतिहास संस्कृत पर जॉर्ज सेंसम के कार्य से इसकी शुरुआत हुई। हाल के वर्षों में चीनी और जापानी विद्वानों के लिखी चीजें अंग्रेजी में अनुदित हुई हैं। उनमें से कुछ विद्वान तो विदेशों में ही पढ़ाते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं। 1980 से कई चीनी विद्वान जापान में ही काम करते और जापानी में लिखते आए हैं। मतलब यह कि हमारे पास विश्व के कई हिस्सों से आने वाला विद्वत्तापूर्ण लेखनकार उपलब्ध है जो हमें इन देशों का अधिक विस्तृत और गहन परिचय देता है। नाइतो कोनन 1866-1934 चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे जिनके लेखन से अन्य जापानी लेखकों को प्रभावित किया। जापान में चीन का अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही है। नाइतो ने अपने काम में पश्चिमी इतिहास लेखन की नई तकनीकों तथा अपने पत्रकारिता के अनुभवों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 1907 में कोयोटो विश्वविद्यालय में प्राचीन अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की। सिनारान चीन पर 1914 में उन्होंने तर्क दिया कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए चीनी सुंग राजवंश 960 से 1279 के काल से चले आ रहे अभिजात वर्ग के नियंत्रण और केंद्रीय सत्ता को खत्म कर सकते हैं। उनका मानना था कि स्थानीय समाज को पुनर्जीवित करने का यही रास्ता है, सुधार यहीं से शुरू होने चाहिए। उन्हें चीनी इतिहास में ऐसी क्षमता नजर आई जो चीन को आधुनिक और लोकतांत्रिक बना सकती थी। उनके मुताबिक जापान चीन में एक अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन वे चीनी राष्ट्रवाद की शक्ति का सही आकलन नहीं कर पाए। परिचय, हम यहाँ पे आते हैं। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफी अंतर है। चीन विशालकाय है महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र है। मुख्य क्षेत्र में तीन प्रमुख नदियां हैं, पीली नदी वांग है, यांगत्सी नदी, चांगजियांग दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी और पर्ल नदी। देश का बहुत सा हिस्सा पहाड़ी है। यह देखिए आप, हिस्सा दिखाया जा रहा है आपको। जापानी क्षेत्र 1941 हान सबसे प्रमुख जाति समूह है और प्रमुख भाषा है चीनी, पंतु गौवा, लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं हैं जैसे कि उइघुर, हुई, माचू और तिब्बती, कैंटनीज, कैंटन, गुआंगजाओ की बोली उए और संघाईनीज, संघाई की बोली उ जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती हैं। चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है। इनमें कम से कम चार प्रमुख तरह के खाने देखे जा सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध पाक प्रणाली दक्षिणी या कैंटीनी है जो कैंटीन व उसके आंतरिक क्षेत्रों की है। इसकी प्रसिद्धि इस बात से है कि विदेशों में रहने वाले ज़्यादातर चीनी कैंटीन प्रांत आते हैं। जाना माना डिमसम शाब्दिक अर्थ दिल को छूना यहीं का खाना है जो गूथे हुए आटे की सब्जी आदि उबालकर बनाए गए व्यंजन जैसा है। उत्तर में गेहूँ मुख्य आहार है जबकि सेचुआ
में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाई गई मिर्च के चलते खासा झालदार और तीखा खाना मिलता है। पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। इसके विपरीत जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें चार सबसे बड़े द्वीप हैं, होनसू, क्यूसू, शिकोकू और हाकाइडो ओकिनावा। द्वीपों की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है, लगभग बहामास वाले ही अक्षांश पर। मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है। इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहाँ की वास्तुकला को प्रभावित किया है। अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ आयनु अल्पसंख्यक और कुछ कोरिया के लोग हैं जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया था जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत। कच्ची मछली साशिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। जापान राजनीतिक व्यवस्था। जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी आते आते असली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। 1603 से 1867 सुधार कर लेंगे विद्यार्थी 1603 से 1867 तक ताकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। देश 250 भागों में विभाजित था जिनका शासन दैम्यो चलाते थे। शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन दैम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो आधुनिक टोक्यो में रहने का आदेश देते थे ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा न रहे। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। सामुराई योद्धावर शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुन तथा दैम्यो की सेवा में थे। 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में तीन परिवर्तनों ने आगे के विकास की तैयारी की। पहला, किसानों से हथियार ले लिए गए, अब केवल सामुराई तलवार रख सकते थे। इससे शांति और व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछली शताब्दी में इस वजह से अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। दूसरा, दैम्यों को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए, उन्हें काफी हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई। तीसरा, मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का संरक्षण किया गया। उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। इन सब का मिला जुला मकसद राजस्व के लिए स्थायी आधार बनाना था। दैम्यों की राजधानियां बढ़ी हुई, जिसके चलते 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। इसके अलावा ओसाको और क्योतो अन्य बड़े शहरों के रूप में उभरे। कम से कम 6 ऐसे गढ़ वाले शहर जहाँ जनसंख्या 50,000 से अधिक थी। इसकी तुलना में उस समय के ज्यादातर यूरोपीय देशों में केवल एक बड़ा शहर था। इससे वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था के विकास हुआ और वित्त प्रणाली की प्रणालियां स्थापित हुई। व्यक्ति गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगा। शहरों में जीवंत संस्कृति खिलने लगी, जहाँ तेजी से पढ़ते व्यापारी वर्ग ने नाटक और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। क्योंकि लोगों को पढ़ने का शौक था, होनहार लेखकों के लिए असंभव हो सका कि वे केवल लेखन से अपनी जीविका चला सकें। एदो में लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले सकते थे। इससे यह पता चलता है कि छपाई की सस्ता पर होती थी और पढ़ना कितना लोकप्रिय था। जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। इन आयातों के लिए चांदी और सोने में कीमत अदा करने से अर्थव्यवस्था पर भार जरूर पड़ा, जिसकी वजह से ताकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। उन्होंने क्योतो से निशीजिन में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए, जिससे रेशम का आयात कम किया जा सके। निशीजिन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाने लगा। मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार का निर्माण जैसे अन्य विकास दिखाते हैं कि अर्थतंत्र नई दिशाओं में विकसित हो रहा था। सामाजिक और बौद्धिक बदलाव, मिसाल के लिए प्राचीन जापानी साहित्य के अध्ययन ने लोगों को यह सवाल उठाने पर मजबूर किया कि जापान पर चीन का प्रभाव किस हद तक है, और यह तर्क पेश किया गया कि जापानी होने का सार चीन के संपर्क में आने से बहुत पहले का है।
यह सार की कहानी जैसे उच्च प्राचीन साहित्य में और जापान के उत्पत्ति की पौराणिक कथाओं में देखी जा सकती है। ये विधि की कहानियाँ बताती हैं कि इस दीपों को भगवान ने बनाया था और सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी थे। गेंजी की कथा मुरासाकी सिकुबु द्वारा लिखी गई हेयान राजदरबार के काल्पनिक डायरी द टेल ऑफ द गेंजी जापानी साहित्य में प्रमुख कथाकृत बन गई। इस काल में मुरासाकी जैसे अनेक लेखिकाएं उभरी जिन्होंने जापानी लिपि का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों ने चीनी लिपि का इस्तेमाल शिक्षा और सरकार में होता था। इस उपन्यास में कुमार गेंजी की रोमांचक जिंदगी दर्शाई गई है और हेयान राजदरबार के अभिजात वातावरण की जीती जागती तस्वीर पेश की गई है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि औरतों को अपने पथ चुनने और अपनी जिंदगी जीने की कितनी आज़ादी थी। मेजी पुनर्स्थापना 1867-68 में मेजी वंश के नेतृत्व में ताकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की मांग की जा रही थी। इसी बीच 1853 में अमेरिका ने कामोडोर मैथ्यू पेरी 1794-1898 को जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए। जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने की जगह चाहिए थी। उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था, वह था हॉलैंड। पेरी के आगमन ने जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला। सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई जिससे तब तक बहुत कम राजनीतिक सत्ता मिली हुई थी। 1868 में एक आंदोलन द्वारा शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को एदो ले जाया गया। एदो को राजधानी बना दिया गया और इसका नया नामकरण हुआ टोक्यो, जिसका मतलब है पूर्वी राजधानी। अधिकारीगण और लोग यह जानते थे कि कुछ यूरोपीय देश भारत व अन्य जगहों पर औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे। ब्रिटानियों के हाथों चीन की हार की खबरें फैल रही थी। इन्हें लोकप्रिय नाटकों में दर्शाया भी जा रहा था। इन सब के चलते लोगों में एक असली डर बन रहा था कि जापान भी उपनिवेश बनाया जा सकता है। बहुत से विद्वान और नेता यूरोप के नए विचारों से सीखना चाहते थे बजाय उनकी उपेक्षा करने के, जैसा कि चीन ने किया। कुछ अन्य लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते हुए अपने से दूर रखना चाहते थे, हालांकि वे उसकी नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार थे। कुछ ने देश को बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे और सीमित तरह से खोलने के लिए तर्क दिया। सरकार ने फुकों को क्यों हो समृद्ध देश मजबूत सेना के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया। उन्होंने यह समझ लिया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था के विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत है, अन्यथा उन्हें भी भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस हुई। इसके साथ ही नई सरकार ने सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों का प्राय है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सम्राट नौकरशाही और सेना इकट्ठे साथ सत्ता चलाते हैं। नौकरशाही और सेना सम्राट के उत्तरदायी होते हैं। राजतांत्रिक व्यवस्था के नमूनों को समझने के लिए कुछ अधिकारियों को यूरोप भेजा गया। सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का वंशज माना गया, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया। सम्राट का जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया। वह पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े पहनने लगा और उसके नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिनियम जारी किए जाने लगे। 1890 की शिक्षा संबंधी राजाज्ञा ने राज लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक एवं साझे हितों की बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। 1870 के दशक में नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया और 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। शुरू में पाठ्यचर्या पश्चिमी नमूनों पर आधारित थी, लेकिन 1870 के दशक के आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ राज्य की प्रतिनिष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा।
शिक्षा मंत्रालय पाठ्य चर्चा पर किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता था, जिसे नैतिक संस्कृत का विषय कहा गया। उसे पढ़ना जरूरी था। किताबों में माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। आगे बढ़ें, इससे पहले हम उन तथ्यों को देख लें जो कुछ तस्वीरें आपके सामने देखें। आप पेरी का जहाज, लकड़ी के ब्लॉक का एक जापानी छापा, जापानी से काले जहाज, इनकी लकड़ी की जोड़ों को बोलतार से सीलबंद किया जाता था। कहते थे उन्हें ऐसे चित्रों और कार्टूनों में दिखाया गया जिसमें अजीबोगरीब विदेशियों और उनकी आत्मों को दर्शाया गया। ये चीज जापान के खुलने के शक्तिशाली प्रतीक बन गए। आज विद्वान यह तर्क देते हैं कि जापान कभी बंद ही नहीं था, चूंकि उसकी पूर्वी एशिया के व्यापार में भूमिका थी और उसके लोग हॉलैंड और चीन निवासियों के जरिए बाहरी दुनिया के बारे में जानते थे। आप यह देख लें, यह संपूर्ण चित्र और यह देखें आप कोमोडोर परी, जापानियों की निगाह से विद्यार्थियों के लिए जापानी और एजटेकों का यूरोपीय लोगों से जो संपर्क टकराव हुआ है उसके अंतरों को पहचानिए। जापानी भाषा एक साथ तीन लिपियों का प्रयोग करती है, इसमें से एक कांजी जापानियों ने चीनियों से छठी शताब्दी मिली, क्योंकि उनकी भाषा चीनी भाषा से बहुत अलग है। उन्होंने दो ध्वनात्मक वर्णमालाओं का विकास भी किया, हिरागाना और काताकाना। हिरागाना नारी सुलभ समझी जाती है क्योंकि हेयान काल में बहुत सी लेखिकाएं इसका इस्तेमाल करती थी, जैसे कि मुराताकी। एक चीनी चित्रात्मक चिन्हों और ध्वनात्मक अक्षरों हिरागाना अथवा काताकाना को मिलाकर लिखी जाती है। शब्द का प्रमुख भाग कांजी के चिन्ह से लिखा जाता है और बाकी का हिरागाना में। ध्वनात्मक अक्षर माला की मौजूदगी के चलते ज्ञानकुलीन वर्ग से व्यापक समाज में काफी तेजी से फैल गया। 1880 के दशक में सुझाव दिया गया कि जापानी या तो पूरी तरह से ध्वनात्मक लिपि का प्रयोग करें या कोई यूरोपीय भाषा अपना लें, दोनों में से कुछ भी नहीं किया गया। राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। प्रशासनिक इकाई में पर्याप्त राजस्व जरूरी था जिससे स्थानीय स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखी जा सकें, साथ ही इकाइयां सेना के लिए भर्ती केंद्रों के काम आ सके। 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरस्ते के लिए सेना में काम करना अनिवार्य हो गया। एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया। कानून व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सके, बैठकें बुलाने पर नियंत्रण रख सकें और सख्त सेंसर व्यवस्था बना सकें। इन तमाम उपायों में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया, यानी कि संविधान बनने के बाद यह दो गुट सरकारी नियंत्रण के बाहर रहे। लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना, इन दो अलग आदर्शों को महत्व देने के दूरगामी नतीजे हुए। सेना ने और इलाके जीतने के मकसद से मजबूत विदेश नीति के दबाव डाला। इस वजह से चीन और रूस के साथ जंग हुई, दोनों में ही जापान विजयी रहा। अधिक जनवाद की लोकप्रिय मांग अक्सर सरकार के इन आक्रामक नीतियों के विरोध में जाती थी। जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया और उसने अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम किया। अपने देश में उसने लोकतंत्र के प्रसार को कुचला और साथ ही उपनिवेशीकृत लोगों के साथ टकराव का रिश्ता कायम किया। ये देखें आप जापानी लेख कांजी, चीनी चित्रात्मक से लाल काताकाना, नीला हिरागाना हरा। ये देखें आप लिपियों का जो प्रयोग हुआ। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। इसके लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। जापान की पहली रेल लाइन 1870-72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई।
वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गई, मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया, साथ ही उन्हें जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा गया। जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया। 1872 में आधुनिक बैंक संस्थाओं का प्रारंभ हुआ। मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कंपनियों को सब्सिडी और करों में फायदे के जरिए प्रमुख जहाज निर्माता बनने में मदद मिली। इससे जापानी व्यापार जापानी जहाजों में होने लगा। जायवात्सु बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था का प्रभुत्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा। 1872 में जनसंख्या 3.5 करोड़ थी जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। पहले उत्तरी टापू होकाइदो कियो जो काफी हद तक स्वतंत्र इलाका था जहां आइनू कहे जाने वाले देसी लोग रहते थे, फिर हवाई और ब्राजील। जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की तरफ उद्योग के विकास के साथ शहरों में आए। 1925 तक 21% जनता शहरों में रहती थी, 1935 तक यह बढ़कर 32% हो गई, 2.25 करोड़। औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 में 7 लाख से बढ़कर 1913 में 40 लाख पहुंच गई। अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग, जिनमें मशीनों और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। इस आधुनिक कारखानों में काम करने वालों में आधे से ज्यादा महिलाएं थी। 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने ही किया। 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन 1930 के दशक में आकर पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हुई। कारखानों में मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी। 100 से ज्यादा मजदूर वाले कारखानों की संख्या 1909 में 1000 थी, 1920 तक आते आते इनकी संख्या 2000 से ज्यादा हो गई और 1930 के दशक में यह 4000 पहुंच गई। इसके बावजूद 1940 में 5,50,000 कारखानों में सिर्फ 5 से कम मजदूर काम करते थे। इससे परिवार केंद्रित विचारधारा बनी रही। उसी तरह जिस तरह राष्ट्रवाद को मजबूत पैतृक व्यवस्था का सहारा था, जहां सम्राट परिवार का कुलपति माना जाता था, उद्योग के तेज और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ। संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य तानाको सोजो ने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन चला। जब 800 गांववासी जन विरोध में इकट्ठे हुए, उन्होंने सरकार को कार्रवाई के लिए मजबूर किया और आधुनिकीकरण के रास्ते प्रथम भाग से हम 4 भागों में विभक्त कर रखे हैं। आप यह देखें चित्र, कपड़ों के कारखानों में श्रमिक, एक कपड़े का कारखाना है और इसमें श्रमिक कार्य कर रहे हैं, यह तस्वीर है। और चैप्टर नंबर 11 आधुनिकीकरण के रास्ते का प्रथम भाग यहीं पर पूर्ण होता है।